खबर आ रही है नई दिल्ली से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का उदाहरण भी दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने की चुनौती दी गई है।